हिस्सा है जो पूर्वी भारत के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी भारत की जो स्टेट्स है यहाँ पर मणिपुर है, त्रिपुरा है, अगरतला है, इम्फाल है, आसाम है, तो ये सिक्किम है, वो वाले सारे पार्ट जुड़ते हैं जो भारत के पूर्वी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। वहाँ तक एक्चुअली में उसके कई कारण हैं जो हमें जानकारी नहीं है स्टेट्स के बारे में, अंचल के बारे में, क्योंकि पहले तो ये हमारे क्षेत्रों से काफ़ी दूर है। दूसरा, भारत सरकार और कहीं ना कहीं हमारे मीडिया और समाचार पत्रों का भी उस तरफ कोई बहुत ज़्यादा झुकाव है, लगाव नहीं है। नतीजा भारत के हिस्से होने के बाद भी लोगों को आज तक इन राज्यों के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और उसके दूसरा कारण है वहाँ पर उग्रवाद, टेररिज्म या वहाँ के आपसी लड़ाई झगड़े, उन स्टेट्स के आदिवासी बहुल क्षेत्र होने से वहाँ के अलग अलग जनजाति के लोगों की आपसी लड़ाई है, और लड़ाइयों के क्षेत्रों को बंटवारा लेकर के आम नागरिकों की मौत तक हो जाती है। तो इन बातों को लेकर भी लोगों का उस तरफ जाना नहीं के बराबर हुआ। पर ये वह काफ़ी खूबसूरत जगह हैं, इनका भी अपना एक इतिहास है, इनके भी वहाँ के लोगों का अपना एक जीवन है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लेखक की त्रिपुरा की यात्रा के बारे में बात करते हैं। तो लेखक जो है वह पहले तो सेना में हुआ करते थे, कैप्टन की पोस्ट से वहाँ से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया अपना, और उनका इंटरेस्ट बाद में फिल्मों की ओर और संगीत की ओर उधर होने से इनका रुझान इस तरह हुआ। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री, टेलीविजन के लिए डॉक्यूमेंट्री तैयार करना थी, शूटिंग करना थी, उसके सिलसिले में इनकी यात्रा त्रिपुरा जाने के कारण का उद्देश्य बना। स्थानीय लोगों से मुलाकात हुई, वहाँ के स्थानीय लोगों में, वहाँ की जनजातियों में काफ़ी कुछ जानकारी ऐसी है कि लोग मेरे अनुसार स्वभाव के लोग हैं और काफ़ी समझदार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग अंतर्मुखी हैं, वे बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन जब अपने किसी व्यक्ति से दिल की बात करते तो खुल कर बात करते हैं, अपनी हर चीज़ के बारे में बताते हैं, वहाँ का खान पान, वहाँ के लोगों का व्यवसाय, पर उनके बारे में जब उनको जानकारी मिलती तो स्थानीय लोग वहाँ पर जाते हुए तो जरूर बटे हुए हैं अलग अलग, लेकिन वहाँ का कोई छोटा या बड़ा नहीं है, काम को मौका सभी को बराबर मिलता है, और छोटी जैसे व्यक्ति भी बड़े पदों पर वहाँ तक पहुँचा। और वहाँ के एक स्थानीय कवि हैं जो वहाँ की भाषा में गीत गाते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध है, उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएँ हैं, चाहे वो हमारा पर्यटन हो, चाहे हमारी शिक्षा हो, और हमारे क्षेत्र में भी असीम संभावनाएँ फिल्मों की शूटिंग को लेकर के अनोखे दृश्य हैं, अनोखे प्राकृतिक दृश्य बहुत सारे हैं। ये अगर सरकार इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करे और इन राज्यों को भी हाईलाइट करे, अगर राज्यों में जा जा करके, तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारे राज्य के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी, और थोड़ी अगर अच्छे खान पान की व्यवस्था, अच्छे होटल्स की सुविधाएँ पर्यटकों के लिए कर दी जाए तो ये क्षेत्र भी विकास से अछूता नहीं रहेगा। उद्योग धंधों की तथा कृषि की जानकारी की बात करते तो वहाँ के उद्योग धंधों में अधिकतर उद्योग धंधे बांस और बांस से जुड़े माचिस की तीलियाँ और कृषि के औजारों से जुड़े हुए कारखाने या जंगल की जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके उनसे द्वारा बनाई गई दवाइयों से संबंधित ही चीज़ें ज़्यादा होती है। खासतौर से हस्तशिल्प कला का विकास बहुत ज़्यादा हुआ कि हाथों से बनाई जाने वाली टोकरियाँ हैं, चटाइयाँ हैं, अगरबत्तियाँ हैं, और इनको वहाँ पर बहुत महत्व मिलता है, काफ़ी अच्छे सस्ते दामों पर काफ़ी मजबूत बनाई जाती है। वहाँ पर वहाँ से ही पूरे देश भर में अगरबत्ती बनाने की जो तीली होती है, उस तीली की जो स्टिक है उसको बनाने का निर्माण वहीं पर होता है, वहीं से पूरे देश भर में सप्लाई भी होती है। ऊना कोटी की यात्रा की और उसके इतिहास की जानकारी के बारे में अगर बात करते तो ऊना कोटी इसका नाम जो है कल्लू कुमार से जुड़ा हुआ है। कल्लू कुमार एक भगवान शंकर को बहुत पसंद करता था, उन्हें बहुत अपने अंतर्मन में याद करता था, उनका बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसे पता चलता है कि शिव जी वहाँ से विचरण करते हैं, शिव जी ने उसको दर्शन दिए और शिव जी से उन्होंने कहा कि उसने कहा कि आप यहीं पर रुक जाइए, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं आपकी सेवा करूँगा और आप मुझे छोड़कर के मत जाइए, वरदान में मांग लिया। आप शिव जी समस्या में पड़ गए कि मैं क्या करूँ, जवाब तो देना ही क्योंकि मेरा भक्त है। तो उन्होंने बताया कि अगर तुम एक रात में 1 करोड़ मेरी शिवलिंग